जैसा कि हम जानते हैं कि बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अपने 11 गैंग रेपिस्ट जो थे उनके लिए एक प्ली डाली थी, और अभी एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को डिसमिस कर दिया है, ये कहते हुए, ये वर्ड यूज करते हुए कि इट्स इरिटेटिंग। यहां पे अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि जुडिशरी, जिसे हम डेमोक्रेसी का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन मानते हैं और जिसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है, अगर आज वो जस्टिस को डिनाइड करती है तो ये वाकई सोचने का मकाम है कि क्या हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। अगर इसका जवाब मिले तो मैं समझती हूं हम इसका जवाब एक क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देंगे। बहुत अफसोस की तो बात यह है कि जब बिल्किस बानो के इन 11 मुजरिमों को, इन 11 मुजरिमों को छोड़ा गया था तो पूरे मुल्क भर से इस बात को बहुत ज्यादा कंडम किया गया था, क्योंकि बिल्किस बानो सिर्फ एक नाम नहीं है, बिल्किस बानो एक जेन्यूसाइड का नाम है। सिर्फ बिल्किस बानो का एक गैंग रेप नहीं हुआ था बल्कि उनके घर के कई लोगों को कत्ल किया गया था, और उसके पीछे जो मकसद था वो था नस्ल कशी। अफसोसनाक चीज ये है कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जैसा कि इस मुल्क में रहने वाले हर इंसान को ऐसा महसूस होता है, इंडियन सिटीजन को, कि वो पूरी तरीके से जुडिशरी में फेथ रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस प्ली को डिसमिस करने के बाद हमारे पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि हम ये कतई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरीके से जुडिशरी ने सिर्फ डिनाई नहीं किया है बल्कि हमारे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के सर्वाइवल पे एक निशान लगा दिया, सवालिया निशान लगा दिया। देखिए, जो लोग ये मानते हैं कि हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं और हमें सेक्युलर सोच रखनी चाहिए, और बहुत आज नहीं, बहुत जमाने से इस मुल्क में तकरीबन लोग जो है वो जुडिशरी को ये मानते थे कि सुप्रीम होती है और सुप्रीम, हम जब दरवाजा खटखटाएंगे तो हमें वहां से इंसाफ मिलेगा। मैं समझती हूं सुप्रीम कोर्ट का जो इंसाफ है वो तभी मिल गया था जब उन्होंने सबसे पहले बाबरी मस्जिद में अपना फैसला सुनाया था, और उसके बाद एक के बाद एक कई ऐसे फैसले आए जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं हमारे यकीन को बाकी रखा। बिल्किस बानो की इस प्ली को डिसमिस करने के बाद मैं इतनी बड़ी नाइंसाफी के लिए अब तक किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, ना ही कांग्रेस, ना ही हमारे जिसे हम कहते हैं कांग्रेस, जो कि एक सो कॉल्ड अपोजिशन पार्टी मानी जाती है, हमारे हिसाब से तो वो खत्म हो चुकी है। भारत जोड़ो की यात्रा तो राहुल गांधी जी ने निकाली, लेकिन दूसरी तरफ भारत जो है वो हर दिन टूट रहा है। उनका भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक जिसे कहते हैं कि ग्लैमर शो बन के रह गया है, कि जिसमें बड़े बड़े नाम हर रोज जुड़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है प्रियंका गांधी, जो खुद अपने आप में एक औरत भी हैं और एक मानी हुई एक पर्सनालिटी है, जिन्होंने एक नारा दे दिया था बेटी के लिए कि बेटी हूं लड़ सकती हूं, मुझे बताइए कि जब आपकी सुप्रीम जुडिशरी जो है वो डिनाई कर देती है जस्टिस एक बिल्किस बानो जैसी औरत को, तो इसका मतलब यहां जस्टिस डिनाई हो जाता है हिंदुस्तान में रहने वाली हर औरत को। ये सिर्फ बात एक बिल्किस की नहीं है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, इसका मतलब है कि आगे आने वाले दिनों में क्राइम के लिए पूरे दरवाजे खुले हैं। वहशी जानवर जो है, जो बीस्ट है, जो इस तरह की क्राइम करते हैं, उनके लिए एक शाबाशी वाली बात हो गई है, और ये एक थप्पड़ है उन तमाम लोगों के लिए जो जिनका ये मानना था कि नहीं, हमें बिलीव करते रहना चाहिए, हमें फेथ बनाए रखना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर वो फेथ कहाँ चला गया, वो ट्रस्ट कहाँ चला गया। इस मामले में, बिल्किस बानो के मामले में, हम एसडीपीआई पहले भी काफी हम लोग जो एक्टिव रहे, और हमारी पूरी कोशिश रही कि हम अपनी वॉइस रेज करें और किसी भी तरह से प्रेशराइज करके, प्रेशर ग्रुप बनके बिल्किस बानो को जो है वापस से इंसाफ मिले। लेकिन और आज भी, आज इस वक्त में भी हम ये देख रहे हैं कि किसी पार्टी ने या किसी नेता ने या किसी भी इवन जो पॉलिटिकल जिसे हम कहते हैं कि हमारे लेजिस्लेटिव में बैठी नहीं है, लोकसभा में बैठी, राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव बनके बैठी, किसी ने किसी भी तरह का बयान नहीं दिया। यानी कि जस्टिस डिनाइड होना ही नहीं है, बल्कि जस्टिस अगर खत्म हो रहा है तो उस पर कोई अफसोस भी नहीं है, उस पर कोई कंसर्न भी नहीं है। ये बहुत अफसोस और शर्म की बात है। मैं समझती हूं कि एक पॉइंट आ गया है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है इंडिया में, कि जहां पे अगर अब हम सर नहीं उठाते हैं और वाकई अगर कोई एक्शन मोड में हम नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि हर घर में बैठी हुई औरतें जो है वो उसी हाल में बैठी हुई है जैसे कि बिल्किस बानो।